आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जो शिष्य अपने गुरु से बहस करता है और जो अपने गुरु के साथ उनकी गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है, जो शिष्य अपने गुरु से मजाक करता है और जो अपने गुरु के साथ गुस्से में बात करता है या अपने गुरु को आदेश देता है, जो अपने गुरु की निंदा करता है और सुनता है, तथा जो अपने गुरु की निंदा करने वालों के साथ मित्रता करता है, और जो शिष्य अपने गुरु के कहे गए वाक्यों में संदेह करता है, जो गुरु के वचनों को नहीं मानता है, तथा जो किसी भी प्रकार से अपने गुरु को धोखा दे देता है, तो ऐसा शिष्य नरकगामी होता है। अब बिल्कुल ऐसा ही गुरु के संबंध में भी है कि जो गुरु अपने शिष्य को ईश्वर संबंधी ज्ञान ना देकर और दूसरे कुकर्मों की शिक्षा देता है, जो केवल धन लूटने के लिए ही किसी को अपना शिष्य बनाता है और जो अपने शिष्य को धोखा देता है, ऐसा गुरु भी घोर नरक में जाता है। इसीलिए गुरु को शिष्यों के प्रति सहज, सरल और निष्कपट होना चाहिए और शिष्य भी गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव रखने वाला होना चाहिए। इसके विपरीत जो आचरण करते हैं उनके लिए यह कहावत चरितार्थ होती है। कौन सी? कि लोभी गुरु लालची चेला। वो मांगे पैसा और वो नहीं दे ढेला, तो होए नरक में ठेलम ठेला। याने गुरु को लोभी भी नहीं होना चाहिए और शिष्य को लालची नहीं होना चाहिए। यह संबंध ईश्वरीय संबंध है, किसी प्रकार का इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जो गुरु और शिष्य इसमें स्वार्थ को देखते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। बंधुओं, आज की यह विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों में आप अवश्य शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी की।